सो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी गाइज मैं कर रहा हूँ मेन चैनल की शूटिंग। तो और यहाँ पे गाइज पूरा सेटअप रेडी है अपना। यहाँ पे रिंग लाइट रेडी है, हम कैमरा रेडी है, तो कैमरे में आपको दिख भी रहूंगा मैं थोड़ा सा बहुत। हेलो, तो गाइज ये मैं हूँ। हालांकि मोबाइल में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दिख रही। गाइस तो देख लो भाई, अभी हम लोग शूटिंग ही कर रहे हैं और भाई काफी टाइम हो गया है, 6 बज गए गाइस। अभी 1 घंटे तक के आसपास हो गया होगा। और यहाँ पे गाइस अभी भी हमारा शूट चल ही रहा है, काफी देर तक थोड़ा सा और चलेगा। तो मैंने आपको बता दिया बिस्तर का, हम बिस्तर पे शूट कर रहे हैं। हमें वो कैमरा में गाइस कुछ ऐसा फ्रेम दिख रहा है भाई। तो गाइस देखो, अब हमारा जाके शूट कंप्लीट हुआ है और अब मैं कैमरा से व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गाइस टाइम देख लो क्या हुआ है भाई, अभी 8:17 हुआ है। और अब जाके गाइस हमारा जो काम है कंप्लीट हुआ है, हमने मेन चैनल की शूटिंग कर ली है कंप्लीट। अब मुझे गाइस देखो, अब मुझे पूरी रात करना है उसको एडिट, बिकॉज हमें कल अपलोड करना है, कल संडे है ना, तो वो तो मैं कर लूँगा हैंडल। मैं गाइस पूरी रात जग के कर लूँगा एडिटिंग, तो काफ़ी ज़्यादा काम रहेगा आज, तो वही व्लॉग में दिखा दूंगा मैं। और क्या कह रहा था, और हाँ गाइस अब इस कमरे की करनी पड़ेगी सफाई। गाइस देखो कितना फैल गया है, गाइस देख रहे हो गाइस, अब इसकी साफ सफाई करनी है। तो चलो So guys, अभी देखो मैंने कमरा साफ कर दिया भाई। तो चलो गाइज अब हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने मेज भी सही कर ली और यहाँ पे गाइज थोड़े बहुत फ्रूट खाएंगे नहीं खाऊंगा इतने नहीं खाऊंगा, अलग देते हैं, देखते हैं गाइज खाते हैं। और अब मैं करूंगा एडिटिंग वगैरह, थोड़ा रिलैक्स करते हैं फिर करते हैं एडिटिंग, है ना। चलो गाइज अभी देखो, अब खाने का टाइम हो गया गाइज, रात होगी ना, तो खाना खा रहे हैं। खाने में गाइज पुलाव बना। और क्या टाइम हो रहा है, टाइम 11 बज रहा है। और मैंने गाइज ब्लॉग पोस्ट कर दिया है, थोड़ा लेट किया गाइज आज, बहुत ज़्यादा लेट किया भाई। और बाकी गाइज यहाँ पे मैं एडिटिंग का काम ही कर रहा था, मैंने शुरू कर दिया एडिटिंग मेन चैनल की। यहाँ पे देख सकते हो मैं बैठा हूँ, ये मैं पापा का रोल वेट कर रहा हूँ। तो भाई देख सकते हो अभी तो टाइमलाइन गाइज ऐसी, आप टाइमलाइन देख लो भाई, टाइमलाइन कुछ ऐसे सिंपल है, बहुत सिंपल है ना, देखो कितनी छोटी सी टाइमलाइन है। बट अभी मैं इसे ना इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगा, इतने साउंड इफेक्ट, इतनी एडिटिंग करूंगा, एकदम सिस्टम बिठा दूंगा गाइज। सो गाइज अब जाके मैंने मेन चैनल की वीडियो की एडिटिंग कर दी है कम्प्लीट। और अभी गाइज टाइम क्या हो रहा है गाइज, अभी टाइम देख लो भाई, 4:20 हो रहा है। पूरी रात से मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, कंप्लीट हो गई। हालांकि वीडियो 5 मिनट का बना, 5 नहीं 6 मिनट का बना, बट गाइज उसको एडिट करने में, उसके बैकग्राउंड साउंड लगाने में, सब कुछ सिंक करने में गाइज थोड़ा टाइम लग गया, तो उसी चीज़ में टाइम गया है। बाकी अभी मुझे थंबनेल बनाना है, उसको अपलोड करके शेड्यूल करके मैं सोऊंगा। तो चलो गाइज, वैसे तो बहुत काम बाकी गाइज, मतलब ये मैंने एडिट कर दिया मेन चैनल का गाइज, हो गया। अब संडे को मेन चैनल पर वीडियो आ जाएगा। पूरी रात गाइज एडिटिंग में लग गई गाइज, देख रहे हो। अभी मैं आपको टाइमलाइन भी दिखाऊंगा, जो मैंने पहले दिखाई थी ना, अब वो कैसी हो गई वो दिखाता हूँ। देख लो गाइज, फिल्मोरा में कुछ ऐसा एक्सपोर्ट होता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी वीडियो की झलक भी दिख रही होगी। देखो मैं ट्रिपल रोल। तो गाइज ये देखो, वही अपनी टाइमलाइन है पहले वाली, और अब गाइज कुछ ऐसी दिख रही है। तो देख लो भाई, इतनी एडिटिंग करी है गाइज मैंने, ये देख रहे हो भाई टाइमलाइन, ये जो एक आप चीज़ देख रहे हो ना, इसमें यही तो डिटेलिंग है। देख लो भाई, ये ऑडियो होता है नीचे गाइज, ऑडियो सेक्शन होता है, यहाँ इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, यहाँ मेन वीडियो होती है और इसके ऊपर भी इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, पर ऑडियो हमेशा नीचे रहता है। तो भाई देख लो, मैं आपको अब पूरा पूरा दिखाऊँ या पूरा, ये देखो पूरा आप देख पाओगे आप अच्छे से, देखो भाई। तो यहाँ पे गाइस एडिटिंग का काम तो हो गया कंप्लीट, अब मैं गाइस जाऊँगा सोने। तो चलो गाइस, तो देखो अभी एक चीज़ और हो गई भाई, अभी 5 बजने वाले हैं। और गाइस देखो, मैंने वीडियो अपलोड किया तो उस पर गाइस कॉपीराइट क्लेम आ गया, क्योंकि गाइस उसमें मैंने थोड़ा 2 गाने यूज़ किए थे ना, पापा मेरी जान और बलमा वाला। तो गाइस फिर से एडिट करना पड़ेगा। मैंने गाइस गाने वैसे जो उसमें यूज़ किया था उसे बहुत एडिट कर दिया था, काफ़ी मॉडिफाई होके। अब मुझे गाने तो वही लगाने हैं ना, तो क्या कर सकते हैं भाई, उनको उन्हीं गानों को और अच्छे से एडिट करता हूँ। चलो गाइस यार, ये काम पे काम, काम पे काम। तो गाइस देखो भाई, फिर से एक्सपोर्ट हो रहा है भाई। और जब मैंने वो लगाया था तो मुझे पता था कॉपीराइट क्लेम आता है, तो मैंने उस पर यूट्यूब पे गाइस क्या होता है, कोई कोई जो फिल्म के गाने होते हैं कॉपीराइट फ्री भी मिल जाते हैं, नो कॉपीराइट लोगों ने पहले से ही कंपोज ऐसा करते हैं कि उस पर कॉपीराइट नहीं आता है। तो मैंने वही देख रखा था, और उस पर जो जिस वीडियो पर मैंने ये ऑडियो चलाया था उस पर गाइस कॉपीराइट नहीं था, बट गाइज उस पर नहीं था बट मेरे पे आ गया। तो क्या कर सकते हैं, अब मुझे गाइज री एडिट करके इसे री अपलोड करना पड़ेगा। 6 मिनट गाइज रह गए हैं बस 5 मिनट में।
बाकी तो गाइस देखो अभी मैं थंबनेल बना रहा था तो भाई लोग गाइस एआई का कितना गलत गलत यूज़ करते हैं मैंने देखा है। बट गाइस हम कैसा यूज़ करते हैं एआई का मैं दिखाऊँ आपको, अब दिखाता हूँ। तो गाइस मैं थंबनेल बना रहा था तो ये मेरी फोटो है गाइस देख लो, और अब मैंने गाइस इसको एआई की मदद से देखो कैसा बना दिया। ये देखो गाइस एआई की मदद से मैंने इसे क्या कर दिया गाइस, अब मेरे हाथ में यहाँ पर चिप्स आ गया, मैं थोड़ा फैटी फैटी हो गया, और यहाँ बच्चा भी आ गया है कोरियन बच्चा कोरियन। गाइस वैसे तो यही अच्छी चीज़ है भाई, ये सारा बहुत ज़्यादा टाइम बचा देती है और उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर देती है। मतलब मैं ऐसे अगर ये चाहता भी ना तो मैं ऐसा नहीं एडिट कर सकता था, हालांकि कर भी सकता था, मुझे उसके लिए फोटोशॉप सीखना पड़ता, बट ये गाइस मेरा थोड़ा मिनटों में काम हो गया। तो गाइस एआई को अच्छी तरीके से यूज़ करो, अपने काम के लिए यूज़ करो, उसका मतलब वो मत करो यार, क्या यार टाइम वेस्ट करना है ना, अपना काम करो यार गाइस, काम पे ध्यान दो अपना, कुछ एआई की मदद से आप क्या क्या कर सकते हो वो सोचो। तो चलो गाइस अभी 6:06 बजने वाले हैं तो मैं थंबनेल बना के सो जाऊंगा भाई, थंबनेल बनाने में टाइम लग रहा है। तो गाइस अब जाके मेरा काम कंप्लीट हुआ है देख लो भाई, अब गाइस सुबह के 6 बजने वाले हैं, 10 मिनट रह गए हैं, तो अब गाइस मैं सोने जा रहा हूँ। तो अब गाइस सुबह मैं सो जाऊंगा, उठ के मिलते हैं गाइस, है ना। मैंने जो मेन चैनल का वीडियो है उसे अपलोड कर दिया है, सब कुछ सही है, शेड्यूल कर दिया है, बिल्कुल सब रेडी है। तो चलो गाइस अब उठ के मिलूंगा मैं, बाय बाय। तो गाइस देखो अब मैं उठ चुका हूँ और अभी 10 बज रहे हैं गाइस, तो 10 बजे में मैं उठ गया। हाँ तो गाइस आप लोग कहोगे ज़्यादा सो नहीं पाया, बट भाई मैं नहीं सोया भाई, नींद खुल गई तो मैं उठ गया, नींद नहीं आ रही है तो रात में ही सोएंगे अच्छे से अब। तो चलो अब गाइस मैं उठ ही गया हूँ तो अब मैं एडिटिंग पे वापस आ गया हूँ, और कोई गाइस मेरे पास काम ही नहीं है, या तो मैं चला सकता हूँ और गाइस फाइल वगैरह बनानी है, बस स्कूल का भी थोड़ा ही काम है। तो चलो एक काम करता हूँ एडिट कर लेता हूँ उसके बाद फाइल बना लेंगे। सो मतलब यार एक काम करता हूँ फ्रेश भी हो जाता हूँ। सो गाइस अभी देखो अभी हो चुकी है शाम के 6 बज गए हैं और अभी गाइस मैं सो गया था, शाम के 6:30 बज रहे हैं और अभी मैं सो गया था, सो के वापस उठ चुका हूँ। तो गाइस हमने जहाँ से कल व्लॉग स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए हैं, बाकी हम मुझे इसी व्लॉग का एडिट करके अपलोड करना है गाइस, थोड़े लेट हो जाते गाइस हम, बट कोई नहीं अपलोड कर देंगे आज। और अपने गाइस 365 डेज और 365 व्लॉग्स भी कंप्लीट होने वाले हैं, कुछ दिन 4-5 दिन रह गए हैं तो कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी गाइस कल है 22 जनवरी, तो कल तो भाई राम मंदिर का इनॉग्रेशन है तो वो भी देखेंगे। चलो गाइस थोड़ी देर में मतलब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए व्लॉग को लाइक कर देना, और मेरी गाइस हालत में जाया करो गाइस, सर्दी में इनर पहन के रहता हूँ घर में भाई, घर हो रहा है तो ऐसे रहते हैं, अभी सो रहा था फिर मैंने कहा उठ गए, तो एंड करते हैं और एडिट करते हैं। बाकी लाइक कर देना चैनल, अपने चैनल सब्सक्राइब कर देना, मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और 1 फरवरी से हमारे इस चैनल पर आएंगे मिनी व्लॉग्स तो उनको ज़रूर से देखना, और कोई प्रोडक्ट वगैरह बाय करना जो मैं यूज़ करता हूँ उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें भी बाय कर लेना, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू सून। Now you're out of sight.